अभी एक वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में आई और उस वैश्विक महामारी ने सबको अपने चपेट में ले लिया। उसमें अमेरिका भी नहीं बचा, उसमें फ्रांस भी नहीं बचा, उसमें जर्मनी भी नहीं बचा, उसमें इटली भी नहीं बचा, उसमें ब्रिटेन भी नहीं बचा। यानी दुनिया के तमाम तथाकथित जो ताकतवर राष्ट्र थे वो सारे राष्ट्र भी इस कोरोना की चपेट में आ गए। तो मैं समझता हूं कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट अगर कोई इस दुनिया में आया है तो उसमें से एक सबसे बड़ा संकट ये कोरोना का संकट है। और हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा, देश के दूसरे हिस्सों में भी देखा, और मैंने लोगों की पीड़ा को बहुत करीब से महसूस किया। हजार हजार किलोमीटर पैदल लोग निकल पड़े अपने परिवार के साथ, खाने का इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं, चले जा रहे हैं। रास्ते में कई लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ चलते चलते मर गए, कुछ एक्सीडेंट में मर गए, कुछ भूख से मर गए। इतनी बड़ी पीड़ा, इतना बड़ा संकट हम लोगों ने शायद जब से हमने होश संभाला कभी नहीं देखा। लोग बताते हैं, हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि जो बंटवारे के समय में स्थिति थी उस तरीके का माहौल इस देश में पैदा हुआ। बंटवारे के समय की जो स्थिति थी वो माहौल देश के अंदर आया इस कोरोना काल में। लोगों का रोजगार भी गया, आज बड़े पैमाने पे बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में। जो दैनिक मजदूर थे उनका तो रोजगार गया, लेकिन छोटी छोटी नौकरियां करने वाले और भी, सॉफ्टवेयर कंपनी में भी नौकरियां करने वाले, चाहे पत्रकार हों, चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, जब सब कुछ बंद है तो उनका रोजगार भी चला गया। और ऐसे संकट के दौर में आज कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा मॉडल अगर किसी सरकार ने पेश किया है पूरे देश में तो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने पेश किया है। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के प्रयासों से आज कोरोना का केस लगातार घट रहा है और जो वहां ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 90% से ज्यादा हो गई, 90% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और जो एक्टिव केसेस की संख्या है, यानी कोरोना के जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं संक्रमण के, उसमें 14वें स्थान पे अब दिल्ली चला गया। जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे था अब घट के 14वें नंबर पे आ गया। तो ये केजरीवाल जी ने किया कैसे? और ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ ये महामारी फैल रही है, बहुत तेजी के साथ ये महामारी एक बड़े संकट के रूप में अब यूपी में भी फैल रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक मंत्री का निधन हो गया, एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव है, एक दूसरे मंत्री स्वतंत्र सिंह, महेंद्र सिंह, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव निकल आए। एक अधिकारी का मैं कल पढ़ रहा था, खंड विकास अधिकारी, उसको जब कोरोना पॉजिटिव की जानकारी मिली तो वो हताश होके, निराश होके, घबरा कर उसने आत्महत्या कर ली। आज सोचे कितना बड़ा मानसिक, कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ रही, कितनी घबराहट उनके मन में आ जा रही कि किसी को भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो जा रहा है। तो इसलिए अभी आम आदमी पार्टी ने और हम लोगों ने तय किया है कि गांव गांव में पर्चा बांट के एक कोरोना सहायता टीम बनाई जाएगी और उस कोरोना सहायता टीम का काम होगा ये ऑक्सीमीटर, जो 2000 का भी आता है, 1500 का भी आता है और उससे थोड़ा कम में भी ये मिलता है। तो ये ऑक्सीमीटर जो है 46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है वहां, और उत्तर प्रदेश में कितनी हो रही है, जहां 24 करोड़ की आबादी है, यहां प्रति 10 लाख मात्र 7,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो बाकी लोगों को अगर कोरोना हुआ भी है तो पता भी नहीं चल रहा है।
और पता नहीं चल रहा है तो लोगों को बांट रहे हैं। तो इसलिए आज धर्मराज यादव जी के नेतृत्व में यहां इस गांव में एक कोरोना सहायता टीम, हम लोग समझा देता हूं कि इसका ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक होगा। जैसे दरगाही भाई हैं, तो मैं इनको बुलाना चाहूंगा। दरगाही यादव सैनिटाइज करते, इसको पहले हाथ सैनिटाइजर लाएंगे, हाथ सैनिटाइज होगा, जो भी बंदा आएगा उसका हाथ सैनिटाइज करेंगे। धर्मराज देख लीजिए भाई, पूरा आप देख लीजिए, आपको ही अब चलाना है इसको, अब गांव भर में चलाना है। मैं ये चाहूंगा दो मशीन आप जो है अपने पास रख लीजिए, ये दोनों मशीन आप रख लीजिए। एक मशीन रविंदर तिवारी जी जिला देखिए, आप समझ तो गए ना, अब ये इन्हें लगे है ये सब नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।